हिजबुल्ला ने अपने नए नेता के नाम का ऐलान कर दिया है। जानकारी के अनुसार हसन नसरल्ला के मारे जाने के बाद अब हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्ला की कमान सौंपी गई है। खास बात यह है कि सफीउद्दीन भी हसन नसरल्ला की तरह मौलवी है और रिश्ते में उसका चचेरा भाई है। जानकारी के अनुसार 1964 में दक्षिणी लेबनान के डेर कानून एन नहर में जन्मा हाशिम सफीउद्दीन एक प्रमुख लेबनानी शिया मौलवी और हिजबुल्ला का वरिष्ठ अधिकारी रहा है। हिजबुल्ला ने इसराइल से बदला लेने के लिए अपने नए नेता हाशिम सफीउद्दीन का ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हिजबुल्ला के नए चीफ सबके बीच में आता और हिजबुल्ला फोर्स उसे सलामी पेश करता है। सलामी के बाद नए हिजबुल्ला चीफ कमांडर से हाथ मिलाता है और फिर उसे गले लगाता है। इसके बाद वो अपने हाथ में ली हुई बंदूक को चूमता है और कमांडर के हाथों में सौंप देता है। वहीं कमांडर भी बंदूक को प्यार से चूमता है और मुस्कुराते हुए उसे संभालता है। वहीं मौके पर मौजूद लोग काफी उत्साह में दिख रहे हैं। हिजबुल्ला ने अपने नए चीफ की वीडियो को जारी करते हुए ये साफ पैगाम दे दिया है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, जंग अभी बाकी है। वहीं दूसरी ओर हसन नसरल्ला के मारे जाने के बाद से हिजबुल्ला के लड़ाकों के बीच हाशिम को कमान देने की चर्चा थी। इसके साथ ही जानकारी के अनुसार नसरल्ला ने 32 साल तक हिजबुल्ला को चलाया लेकिन इसराइल ने उसे मार गिराया। वहीं इसके साथ ही नसरल्ला के रहते हुए भी हाशिम को हिजबुल्ला में कई जिम्मेदारियां दी गई थी, वो कई विभागों का प्रमुख था। हाशिम सफीउद्दीन इसराइली हमलों से बचता फिर रहा है, ये हिजबुल्ला के राजनीतिक मामलों को देखता आया है। साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख है। इसके अलावा ये जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी है जो संगठन के मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग करती है। हाशिम काली पगड़ी पहनता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।